हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अहमदाबाद में शादियों में बनने वाली स्पेशल चिकन खलिया की रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। चिकन 1 किलो, 2 बड़ी प्याज काट ली है, 2 बड़ी प्याज को ब्राउन बलिश्ता बना लिया है, 2 कप दही है हमारे पास में, और ये मुमताज़ मटन मसाला। तो गाइस, ये मसाला यहाँ नहीं मिलता है, अहमदाबाद में ही मिलता है। और 2 से 3 टमाटर की प्यूरी बना लिया है। 1 मिक्सी जार में ब्राउन प्याज को डाल देना है, दही डाल देना है और मुमताज़ मटन मसाला ये डालकर हमको अच्छे तरीके से पीस लेना है। कुकर के अंदर सारी चिकन डाल देना है, 2 बड़ी प्याज जो काट के रखी थी वो डाल देना है, अदरक लहसुन अपने हिसाब से ले लें, नमक भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिला लीजिए। फिर इसमें हमको 2 गिलास पानी डालना है, क्योंकि गाइस यही पानी, 2 गिलास पानी के अंदर चिकन भी गलेगी और हमको शोरबा भी करना है। और अच्छे तरीके से मिलाकर हमको सीटी लगा लेना है। एक दूसरे पतीली में हमने तेल गरम कर लिया, ये वही तेल है जिससे हमने प्याज ब्राउन की थी। इसमें पिसा हुआ ब्राउन प्याज जो है वो पिसा हुआ हमने डाल दिया है इसके अंदर, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला भून चुका है और यहाँ पर हमारा चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब इसके अंदर से हम चिकन भुने हुए मसाले में डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे और ये जो हमारा शोरबा हमको बनाना है, कितना बनाना है, हमारे घर में शोरबा ज़्यादा लगता है तो मैं इसमें शोरबा बनाऊंगी, कुछ लोग शोरबा नहीं बनाते हैं। तो गाइस इसको ढक देना है और 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से चिकन खलिया बन गया है और इसके ऊपर हरा धनिया डाल देना है। तो गाइस इसको आप रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हो, तंदूरी रोटी के साथ में भी खा सकते हो और आप ये बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है चिकन खलिया। ये अहमदाबाद की स्पेशल डिश है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कमेंट करिए।